सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन दिस न्यू वीडियो। सो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने फ्रेंड्स मॉक टेस्ट लिंक जारी कर दिया है। तो ये लिंक फ्रेंड्स किसके लिए जारी किया गया है, आप कैसे मतलब कहां पर जाकर ये लिंक आप एक्टिवेट कर सकते हो, कैसे मॉक टेस्ट दे सकते हो, सारा कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो कि आपको इसी तरीके से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को देखते होंगे, आप हमारे वीडियो को देखते होंगे, तो आपको पता होगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सबसे लेटेस्ट अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलती है। और फ्रेंड्स क्या आपको जो 2 अगस्त की एग्ज़ाम है उसका फ्रेंड्स कुछ ओवरव्यू चाहिए कि कैसे एग्ज़ाम होगा उसका, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपको डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो देखो फ्रेंड्स ये न्यूज़ क्या है कि न्यूज़ नहीं है फ्रेंड्स, ये सक्रिय हो गई है, ठीक है, ये सक्रिय भी हो गई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय परीक्षा 2021 ऑनलाइन यूजी परीक्षा 2 अगस्त से, ठीक है, मैंने बताया था कि 2 अगस्त से आप लोगों का एग्ज़ाम है थर्ड ईयर वालों का। तो ये जो मॉक टेस्ट लिंक है ये फ्रेंड्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इस पर फ्रेंड्स एक्टिवेट हो गई है, सक्रिय है। तो इसे कौन कौन देख सकता है आगे मैं बात करूंगा, पहले फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा न्यूज़ आपको बता दूँ, ठीक है, आपको अगर सारा कुछ पता रहेगा तभी आप अच्छे से कर पाओगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय परीक्षा 2021 अंडर ग्रेजुएट यूजी छात्रों के लिए 2 अगस्त 2021 से शुरू होने वाली परीक्षा, इस बीच छात्र सक्रिय मॉक टेस्ट लिंक, मतलब फ्रेंड्स ये मॉक टेस्ट इसलिए दिला रहे हैं ताकि अभी तो आपको पता ही नहीं होगा फ्रेंड्स कि थर्ड ईयर में कैसे आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इसीलिए ये मॉक टेस्ट आपको दिला रहे हैं। तो परीक्षा और मॉक टेस्ट के बारे में अधिक जानकारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, AELDUNIV.ac.in। आप फ्रेंड्स इस पर विजिट कर सकते हो, ठीक है, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसे ही सर्च करोगे ये फर्स्ट लिंक आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। आप उसमें एनरोल कैसे करोगे, तो यूजी तृतीय वर्ष के छात्र पुराने रोल नंबर का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, मतलब जो आपका पुराना नंबर है रोल नंबर उससे आप एनरोल कर सकते हो। द्वितीय परीक्षा के छात्र भी अपने पुराने रोल नंबर से एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो अभी ये सबके लिए उपलब्ध नहीं है, सबके लिए से मतलब कि कोई भी जाकर नहीं दे सकता, जो फ्रेंड्स उसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएगा वहाँ पर फ्रेंड्स लॉगिन करेगा, ठीक है, वहाँ पर वो स्टूडेंट लॉगिन पर जाएगा, अपना सारा कुछ डिटेल फिल करेगा, फिर उसके बाद उसका मॉक लिंक एक्टिवेट होगा। तो अगर फ्रेंड्स किसी भी स्टूडेंट का मॉक टेस्ट एक्टिवेट होता है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको मतलब अपना मेल आईडी प्रोवाइड कराऊंगा एक, उस पर फ्रेंड्स प्लीज़ अपना क्वेश्चन सेंड कर देना वो मॉक टेस्ट वाला, ठीक है, तो ताकि मैं उसको फ्रेंड्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।